अमित शाह का एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा। मैंने नहीं देखा। एक इंटरव्यू उनका हुआ, उसमें जो आरिफ जकारिया का जो एक मामला था गोधरा कांड का लेकर, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि लगातार जब से ये घटना हुई थी उन्हें बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बात ऐसी है, मैं उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बिना जानकारी मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे लिए वो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है। आप महाराष्ट्र के बारे में पूछिए। सर, नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो मीटिंग है उसमें क्या आज एकनाथ शिंदे और रामदास कदम पर एक्शन लिया जाएगा, क्या उन्हें नेता के पद से हटाया जाएगा? देखो, नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसी भी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। आज की हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है, और अधाम वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पूरी कार्यकारिणी वहाँ रहेगी, बहुत से निर्णय होंगे, पार्टी के वर्तमान के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, पार्टी का विस्तार के बारे में सोचेंगे, कुछ नई नियुक्तियाँ करेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में, इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास और पैसे के बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये सब बातों पर चर्चा होगी। बहुत ही विधायक निर्णय हो गए, जो संकट है मौजूदा उसको हम संकट नहीं मानते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है पार्टी विस्तार का। जो भी हुआ उस बारे में जरूर सोचेंगे। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे, यामध्ये असं म्हटलं जातं की कदाचित एकनाथ शिंदे आणि रामदास कदम यांच्या कार्यकारिणी पार्टीच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अनेक निर्णय होत असतात, पक्षाचे वर्तमान आणि पक्षाचे भविष्य या संदर्भात एक सखोल विचार आणि निर्णय घेतले जातात। शिवसेना हा एक राजकीय पक्ष, हा फक्त पैसे आहेत कोणाकडे बरं का, किंवा कोणीतरी एखादी महाशक्ती म्हणवणारा राष्ट्रीय पक्ष कोणाच्या पाठीशी आहे म्हणून कोणाला अशा पद्धतीनं हायजॅक करता येणार नाही। ही जी शिवसेना आहे ही बाळासाहेब ठाकरेंची आहे, आणि बाळासाहेब ठाकरेसुद्धा सांगायचे मी शिवसेना प्रमुख आहे तो कारण हजारो शिवसैनिक माझ्या मागे आहेत म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। आज हे हजारो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे, आणि शिवसेना हे हजारो लाखो शिवसैनिकांच्या त्यागातून, बलिदानातून, रक्तातून निर्माण झालेली शिवसेना आहे। ही अशा प्रकारे कोणाला पैशाच्या, दहशतीच्या आणि अफवांच्या बळावर आपल्या पाठी नेता येणार नाही। पक्ष एक संघ आहे, मजबूत आहे आणि एकजूट आहे। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिकांची इथे दीड लागली। आता माझ्याकडे सांगली आणि मिरजेचे सगळे शिवसैनिक आलेले आहेत, फक्त आदेशाची वाट पाहत आहे। हे सोपं आहे, हे कोणत्या पक्षात घडत नाही। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस पक्ष हे मजबूतीनं या महाविकास आघाडीच्या आणि उद्धव ठाकरे साहेबांच्या पाठीशी उभे आहेत। आजच्या कार्यकारिणीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय होतील, अनेक महत्त्वाचे ठराव मंजूर होतील, ते मी आता सांगत नाही, पण आजची राष्ट्रीय कार्यकारिणी महाराष्ट्राच्या आणि देशाला, राजकारणाला दिशा देणार आहे। सर, आज त्यांच्या घरच्यांची सुरक्षा ही काढून घेण्यात आलेली आहे, तर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे? अजिबात नाही, असं कसं काय कोण म्हणू शकतं? त्यांची ते महाराष्ट्राच्या बाहेर आहेत, त्यांनी पलायन केलेलं आहे धुमणाला पाय लावून, एक लक्षात घ्या। त्यांची सुरक्षा, त्यांच्याबरोबर त्यांनी महाराष्ट्रातून त्यांचे सुरक्षा रक्षक नेलेले आहेत, त्यांना जी सुरक्षा आहे ती आमदार म्हणून आहे। त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षा नसते, आमदाराला सुरक्षा असते। महाराष्ट्रात या, आपल्या राज्यात या, असं वणवण का भिकाऱ्यासारखे भटकताय तुम्ही? करू नका, हे या राज्याची भ्रत धुळीला मिळते आहे। तुम्ही शिवसेनेचे आमदार आहात ना, स्वतःला वाघ मानता ना, मग बकरीसारखं बेबे करू नका। बकरी जैसे बेव्या बेव्या कर रहे हैं, हाँ छोड़ दीजिए ये बात, अभी भी मौका नहीं गया है। कल भी रात को शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल,
सब मातोश्री पे आए खाली उनके सामने उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 MLA ने हमसे बात की उनके मौजूदगी में। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है, आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, किसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। संजय राउत कभी हवा में बात नहीं करता। उद्धव ठाकरे जो चाहते हैं वही मैं बोलूँगा। और हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है मुझे मालूम है, और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। सर निर्भर त्याच्यामुळे इसके बारे में हिंदी में बात कर बता दीजिए, जो एकनाथ शिंदे है उन्होंने बात ऐसी है, देखो मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो, मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सर अविश्वास आमदार खरं म्हणजे हे जे काही आमदार पळून गेलेले आहेत त्यांच्यावर महाराष्ट्राच्या 11 कोटी जनतेचा अविश्वास। एकनाथ शिंदेवरती कुठल्याही पद्धतीची कारवाई होऊ शकते का, कारण त्यांच्या एका निर्णयाला पाठिंबा देत अनेक लोक गुवाहाटीत पोहोचले। कोणी कोणाला पाठिंबा दिलेला नाही, ज्या क्षणी हे मुंबईत येतील तेव्हा खेला होबे तो खेळ सुरू होईल। सर यामिनी जाधव सर यामिनी जाधव सर साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए। मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है, आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा, इस झमेले में मत पड़िए। आप अपनी जो भी बच्चे कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए, चुनाव में देखेंगे। इस झमेले में आप मत पड़िए, आप फंस जाओगे, इतना ही मैं कहूंगा। स्पष्ट सांगणार आहे या झमेल्यात त्यांनी पडू नये, भारतीय जनता पक्षाची उरली सुरली प्रतिष्ठा सुद्धा यात ते गमावून बसतील, त्यांचं नेतृत्वाला धक्का बसेल। जे काय आहे ते विरोधी पक्षनेते आहेत, जरी आमचे राजकीय मतभेद असले तरी त्यांच्याविषयी आम्हाला प्रेम आणि आदर आहे। त्यांनी या झमेल्यात पडून स्वतःचं नुकसान आणि स्वतःची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवू नये, एवढंच माझं त्यांना सांगणं आहे। आमचं आम्ही बघून घेऊ, तुम्ही या भानगडीत पडू नका। खरं शेवटचं सर, मोदी यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे 2002 दंगली बाबत। नरेंद्र मोदी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, मोदी यांची प्रतिष्ठा ही देशाची प्रतिष्ठा आहे। मोदी यांना एखाद्या प्रकरणात क्लीन चिट मिळाली असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो।